आप में से को पता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे? हेलो बॉय, हेलो, आप में से किसी को पता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे? नो नहीं, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। वो बचपन से ही इतने ही बहादुर और होशियार थे कि उसके गुरुदेव जो थे ना, उसने 2 वर्ष के जब थे ना रविंद्रनाथ टैगोर, तभी से भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी यानी कि तेजस्वी और होशियार बनेगा। तो ये बालक जो था, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई जब बालक थे, तभी से उसने अपने काम में अपनी जो भविष्यवाणी की थी उसके गुरुदेव ने, वो अपने कामों से उसने सत्य और साबित कर डाली। तो क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? तो वो थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 6 में डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है उसके जीवन का परिचय देखेंगे कि वो कैसे थे, कहाँ पर उसने पढ़ाई की, वो अपने बचपन में कैसे कैसे वो सोच रखते थे, वो कैसा काम करते थे, उसके माता पिता का नाम क्या था, उसके माता पिता क्या करते थे, उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसने कौन कौन सी उद्योगों की स्थापना की थी, कौन कौन सी लेबोरेटरी और कौन कौन से अनुसंधान किए थे यानी कि शोध खोल की थी, कहाँ पर उसने पीएचडी की भी डिग्री प्राप्त की, और उनके गुरु कौन थे। तो ये सब हम इस लेसन में समझेंगे। ओके, तो यदि हम इस लेसन को शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं, बाद में हम इसे पूरा समझेंगे। ओके, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वह बचपन से ही एक बहुत ही तेजस्वी थे। जिनके गुरुदेव कौन थे, बचपन के गुरुदेव कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो उन्होंने बचपन में ही एक भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत ही तेजस्वी और बहादुर बनेगा और बहुत ही होशियार बनेगा। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म जो था वो 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम अंबालाल था और माता का नाम सरला देवी थी। और विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? वो 8 भाई बहन थे। और बाल्यकाल से ही बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे। और बचपन का उनका एक प्रसंग जो है उनमें हमें दिखाई देता है कि जब वो इतने छोटे से, तभी से उसने उससे इरादे बना लिए थे कि मैं भी, उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, तो इसीलिए उसके लिए पहले तो फोन या टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, तो कोई किसी को भी कोई भी काम हो तो सब एक दूसरे को चिट्ठी ही भेजते थे, पत्र लिखते थे। तो अंबालाल यानी कि विक्रम साराभाई के पिता के नाम बहुत सारे पत्र आते थे। तो ये देखकर विक्रम के मन में भी ऐसी इच्छा थी कि मैं भी बड़ा आदमी बनूं और मेरे नाम भी बहुत सारे पत्र आए। तो एक दिन उसने क्या किया, एक कवर पर उसने अपना नाम और पता लिख दिया और उसने जो पत्र भेजते हैं वो पोस्ट ऑफिस की जो पेटी होती है ना, आप में से किसी ने देखी है? हेलो, आप yes, मैंने देखी है, रेड कलर की होती है। तो उसने उसने अपने ही नाम बहुत सारे पत्र लिखकर भेज दिए और डाल दिए उसमें। तो ये बात जब विक्रम के पिता को पता चली तो वह मन ही मन में अपने बेटे पर गर्व महसूस करने लगे। तो बाद में वह हंसते भी है और ये जानकर उसे अच्छा भी लगा कि ये भी एक बड़ा होकर सफल व्यक्ति बनना चाहता है।
जब वे 8 साल के थे तब वह साइकिल पर अलग अलग करतब करते थे। ये करतब लोग देखकर चकित हो जाते थे और वह ऐसे ही साहसिक कार्य उसे बहुत प्रिय थे और उसे मैथ और साइंस में बहुत ही गहरा इंटरेस्ट था। बाद में उन्होंने 10th की परीक्षा 1934 में सन में प्राप्त की और 1937 में उन्होंने 11 और 12 की डिग्री ली, यानी कि पढ़ाई की, और बाद में वह इंग्लैंड चले जाते हैं 1937 में। और सन 1940 में उन्होंने कैम्ब्रिज में जाकर मैथ और भौतिक शास्त्र के साथ बीएससी की पढ़ाई की और उसकी परीक्षा में भी वे सफल हुए। बाद में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होते ही विक्रम साराभाई जो है वो फिर भारत वापस आ जाते हैं और भारत में उसे सर सी वी रामन और डॉक्टर होमी भाभा जैसे गुरु मिले थे जिनसे वह साइंस में और भी ज्यादा आगे बढ़ सके और वह एक साइंटिस्ट होने में उन दोनों ने उसकी बहुत सारी मदद की थी। और बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन से वह बहुत ही प्रभावित हुए थे तो सन 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ अपनी लग्न जीवन की शुरुआत की और उसके साथ उसकी शादी हो गई। उन्होंने अंतरिक्ष में रहकर सब किरणों के शोध खोल की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने वहां पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बाद में सौर मंडल ब्रह्मांड के अनेक जटिल प्रश्नों का उन्होंने उकेल शोध लिया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो ब्रह्मांड की किरणों पर प्रयोग करने के लिए हिमालय के ऊंचे शिखरों पर जाते थे और वहीं का ही उसे तापमान और वातावरण जो है वो अनुकूल रहता था। और ये इसीलिए सरकार ने उसे गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से सज्ज एक प्रयोगशाला भी स्थापना करने के लिए कहा था। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उपकरणों के लिए कहाँ पर प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो गुलमर्ग कहाँ पर आता है? जम्मू कश्मीर में। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वह 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की उन्होंने अहमदाबाद में स्थापना की और प्रयोगशाला के साथ वह जीवन भर जुड़े रहे। कहाँ पर वह अपने जीवन भर जुड़े रहे? तो अहमदाबाद की साइंस लैब में। उसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल मार्केटिंग उसके ऊपर उन्होंने उसमें जो जो भी समस्याएं आती थी उनके भी निराकरण लाने के लिए वह अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन का वहां पर उन्होंने शुरुआत की थी और उनके भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान दिया उन्होंने। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि साइंस लैब में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा आदि पर उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सभ्य बन गए और डॉक्टर भाभा यानी कि होमी भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों की सब कार्यभार उसको सौंप दिया था डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वह उन्होंने इतने संशोधन किए थे कि उनको प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया और उनकी आगेवाणी के नीचे सतत उन्होंने परिश्रम किए और भारत में दूरसंचार यानी कि टेलीफोन और दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन और मौसम विज्ञान उन सब में उन्होंने उपग्रह में रहकर अंतरिक्ष में रहकर सफलतापूर्वक कार्य भी किए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पूर्ण जीवन जो है वो भारत तथा विज्ञान को विकास के लिए समर्पित कर दिया था और भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान भी
दिया था। तो उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किए थे, पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। तो बाद में उन्होंने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1966 में पद्म भूषण तथा मरणोत्तर पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो 1966 में इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सभ्य भी बने थे। 1968 में वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनेस्को विज्ञान विभाग के भी अध्यक्ष बने। यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना वो पूरे विश्व का यूनिटी है और ये राष्ट्र संघ में जो भी फैसला लिया जाता है वो पूरे विश्व को मानना पड़ता है। तो उन्होंने वहां पर भी काम किया, वहां पर भी अध्यक्ष बने। और उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो 1970 में वियना शांति अंतरराष्ट्रीय कणु मंच के भी और 14वीं परिषद के प्रमुख बने थे। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद उपाध्यक्ष तथा उसके बाद विभाग विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बने थे। वे सिर्फ उच्च कोटि के एक वैज्ञानिक ही नहीं थे परंतु वो काम में व्यस्त रहने वाले होने के बावजूद भी कला शिक्षण और समाज के लिए वो पूरा समय निकाल लेते थे। और उसके ही प्रयत्न से लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना हुई थी। और ये किस लिए हुआ था कि लोगों को साइंस के प्रति रुचि जागृत कराने के लिए। और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने त्रिवेंद्रम से लॉन्चिंग स्टेशन कुंभा का कार्य निरीक्षण करने के लिए जब भेजे गए थे तब वहां पर एक होटल में वह रुके थे और वहीं पर उसे हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। 21 दिसंबर 1971 को वह काला दिन के लिए माना जाता है जब डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई थी। और उनके ही अवसान से विज्ञान को नए नए क्षेत्रों में जोड़ने वाला एक जीवन चक्र हमेशा के लिए रुक गया था। तो ऐसे ही महान प्रतिभा को हम शत शत नमन करते हैं, यानी कि हम डॉक्टर विक्रम साराभाई को नमन करते हैं। तो चलो आज हम इस लेसन को रीड कर लेते हैं, बाद में हम इस लेसन को समझेंगे। ओके, तो चलो आज कौन रीड करेगा? मेहंदी हसन सर। हेलो सोहर अब्बास, मेहंदी हसन नहीं है बेटा? हाँ वो है मैम। ओके है, ओके तुम रीड कर लो, बाद में वो रीड करो। लेसन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते कौन थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई? अहमदाबाद में हुआ। उनका परिवार एक परिवार था। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता बुलंद
के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह तो अपने परिवार के साथ शिमला में उनके पिता श्री अंबर अंबावाल के नाम तेरे चिट्ठिया आती थी। यह इच्छा हुई कि सारे व्रत आए पत्र, इसीलिए कई लिफाफों पर नाम तथा पता लिख और डाकघर में डाल दिए। नाम पर और चिट्ठियां मिली। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम इस काम के पीछे के जानने की इच्छा हुई। ओके कंटिन्यू जोहर अबा। हम कहाँ जोहर अबा? जहाँ पर तू रीड कर रहा था वहाँ से क्या? मैं लेकिन स्क्रॉल किया ना तो दिख नहीं रहा। ढेरों चिट्ठियां आती थी तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। दिखाई दिया? हेलो, हेलो सोहर अब्बास। पर उन्हें हंसी आई लेकिन सफलता पाने इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अजीबत करते कर देते। उन्हें अचंभित कर देते प्रिय थे गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। मैट्रिक की परीक्षा 1934 में पास की। 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटरव्यू पढ़ाई की। 1937 में इंग्लैंड चले गए। 1940 में कैम्ब्रिज से गणित का भौतिकी में भी SSC परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। सर सीवी रामन का मिला और राष्ट्रीय आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। 1942 में वह मुरालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। वेरी गुड, मुरालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे।
ओके चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा अब। हेलो बॉयज, हेलो संभाई छे, मारो अवाज आवे छे? जकी जकी प्रेजेंट छे? हाँ हेलो, चलो हेलो हेलो जकी, चलो और कौन रीड करेगा। हेलो कोई आपने से कौन रीड करेगा। हेलो हेलो, संभळाय छे? मारो अवाज आवे छे के नथी आवतो? हेलो मामे तो केम जवाब नथी आपता कोई? हेलो तो केम कोई जवाब नथी आपता? हेलो हेलो बॉय, नथी आवतो बेटा मारो अवाज? संभळाय છે કે નથી સંભળાતું? હેલો હેલો, એટલા બધા પ્રેઝન્ટ છો તો પણ કોઈ એક જવાબ નથી આપ